नमस्कार स्टूडेंट्स, मेथड नंबर टू में अब सीखेंगे रूल्स नंबर टू। देखो, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मींस a1 अपॉन a2 देखो तो b1 अपॉन b2 उसके इक्वल ही है, बट b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2। इसको शॉर्ट में ऐसा कहा जाता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको ऐसा भी बोला जाता है a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 एंड b1 c2 माइनस b2 c1 इज नॉट इक्वल टू 0 और c1 a2 माइनस c2 a1 इज नॉट इक्वल टू 0। मींस सिर्फ इतना देख के आंसर नहीं देना है, ये पूरा होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे होना चाहिए या ऐसे पूरा होना चाहिए, देन दीज सॉल्यूशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखो फॉर एग्जांपल मैं सिखाता हूं, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की जो लाइंस होगी ना वो पैरेलल होगी, वो हमने आगे देख लिया, एग्जाम्पल देख के भी हम कह सकते हैं कि मैंने बोला था ना x एंड y वाला टर्म इक्वल हो और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो तब पैरेलल लाइंस होगी। तो देखो यहां पर a1 क्या है 3, b1 क्या है 4 एंड c1 क्या है माइनस 10, a2 3, b2 4 एंड c2 माइनस 15। अब आप सिंपली देखो a1 अपॉन a2 करो तो 3 अपॉन 3, देखो a1 अपॉन a2 तो 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 4 अपॉन 4 कट कट हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल हो गया ना। बट c1 अपॉन c2 करो तो देखो c1 अपॉन c2 तो c1 क्या है माइनस 10 एंड c2 है माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 3 3 5 जा 15 मीन्स 2 अपॉन 3। तो देखो b1 अपॉन b2 1 होगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये स्पेसिफाई देखो कि ये चीज देखो कि ये चीज देखो, वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई करना तो आपको मालूम पड़ेगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 करोगे तो 0 आएगा, बट b1 c2 माइनस b2 c1 करोगे तो 0 नहीं आएगा। ऐसे ही देख लो तब भी पता चलेगा, b1 c2 15 फोर जा माइनस 16 माइनस 60 माइनस 10 फोर जा माइनस 40 माइनस माइनस प्लस माइनस 60 प्लस 40 माइनस 20 बराबर। डायरेक्ट सोच सकते हो आप, वैल्यू रख के काम करना। तो ये या ये कोई भी फॉर्मूला आपके पास आए तो इट हैज नो सॉल्यूशन, वो अच्छी तरह से याद रखना। ये था रूल नंबर टू। चलो बच्चों रूल नंबर थ्री में क्या था कि दोनों इक्वेशन टोटली इक्वल ही थे। तो यहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करो, अदरवाइज a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 माइनस b2 c1 एंड c1 a2 माइनस c2 a1 सबकी वैल्यू 0 हो, देन दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। चलो इक्वेशन में समझते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलो दोनों इक्वेशन सेम ही है, a1 2, a2 इज ऑल्सो 2, b1 3, b2 इज ऑल्सो 3, c1 7, c2 इज ऑल्सो 7। चलो अब a1 अपॉन a2 करो 2 2 कट 1, b1 अपॉन b2 करो 3 3 कट 1, c1 अपॉन c2 करो 7 7 कट 1, तो सबकी वैल्यू 1 हो गई। सो ऑल वैल्यू आर इक्वल, यहां भी करो सेम ही होगा, देखो a1 b2 2 3 जा 6 माइनस
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ऐसे देखो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, टू सेवन जा फोर्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन, सबकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो इक्वेशन देख के भी आप सोच सकते हो और ये फॉर्मूला याद रख के उसमें वैल्यू रख के भी आप फाइंड कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर अब तो इक्वेशन देख के भी हमें पता तो चल ही गया, तो फॉर्मूला की जरूरत क्या है? तो एक्चुअल में डायरेक्ट फॉर्मूला से ऐसा पूछे, ऐसा दिया है और कहे कि दीज इक्वेशंस हैव हाउ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, आपको पता होना चाहिए ना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो फॉर्मूला भी याद रखनी है। तो यहां जो हम मेथड नंबर टू सीखे उसमें से क्वेश्चन सिर्फ एक मार्क का ही आएगा, तो फॉर्मूलास अच्छी तरह से याद रख लेना। बच्चों इतने वीडियो के बाद अब आपको होमवर्क करना है। जिस वीडियो में मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके बाद मैं एक दिन दूंगा आपको कंपलसरी वो होमवर्क मुझे सबमिट करना है। अब एक चीज याद रखो कि इस चैप्टर में, चैप्टर फोर में भी मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल सम्स हम बाद में करेंगे, तो इस चैप्टर के भी प्रैक्टिकल सम्स हम बाद में करेंगे, बराबर। मीन चैप्टर थ्री और फोर के प्रैक्टिकल सम्स हम बाद में करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें सब प्रैक्टिकल सम्स है, इक्वेशन बनाने हैं, इसलिए वो अभी नहीं करनी है। अब एक्सरसाइज 3.2 उसमें है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, वो अभी नहीं करना है। यहां जो मैंने लिखा है उतने ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन सिक्स एंड क्वेश्चन सेवन। तो चलो मैं एक एक चीज समझा देता हूं, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखना और जो मैं बोल रहा हूं वो अंदर देखना। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो चलो एक सम मैं यहां पर करके दिखाता हूं। चलो इसमें से हमारा पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9। तो a1, b1 एंड c1 एज्यूम कर लो। चलो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 4, साइन के साथ लेना है, एंड c1 इज इक्वल टू 8। a2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 9। अब क्वेश्चन में कहा है उसी हिसाब से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6, कट हो गया 2 अपॉन 3 माइनस, मीन्स माइनस 2 अपॉन 3, C1 अपॉन C2 8 अपॉन माइनस 9, इसमें कट नहीं हुआ, मीन्स माइनस 8 अपॉन 9। तो तीनों वैल्यू अलग अलग मिली, तो ये किस टाइप का हुआ? तो हमारा रूल नंबर वन हुआ। तो देखो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, लाइन पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो आप रूल याद रख के वो सोच सकते हो कि ये लाइन वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ओके? तो ऐसे दूसरे दो क्वेश्चन खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो रूल नंबर वन एंड रूल नंबर थ्री दोनों में से कोई भी रूल आए तो उस लाइन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे और रूल नंबर टू इनकंसिस्टेंट, तो वो आपको खुद करना है, बराबर। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, सपोज ऐसा है एक इक्वेशन 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन में देख के आपको घबराना नहीं है, जब भी कोई भी इक्वेशन
किसी भी टाइप में फ्रैक्शन में आए तो इसको सिंप्लीफाइड करके एक लीनियर इक्वेशन बना देना है। तो देखो इसको हम ऐसा कहेंगे 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7, नीचे कुछ नहीं है 1। अब एलसीएम निकलेगा, 3 × 2 का एलसीएम 6, 3 × 3 = 9x प्लस 2 × 5 = 10x इज इक्वल टू 7। 6 यहां मल्टीप्लाई हो गया, सो 9x प्लस 10x इज इक्वल टू 6 × 7 = 42 इस तरफ आएगा, सो 9x प्लस 10x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये a1 b1 एंड c1 तो इसी हिसाब से भी काम कर सकते हो, बट ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन बना दो और उसके बाद हमारा काम आगे शुरू करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में याद रखना है कि दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसको भी कोइंसिडेंट बोलते हैं, और रूल नंबर 3 एक ही लाइन हो उसको भी कोइंसिडेंट बोलते हैं, और दो पैरेलल लाइन हो तो कोइंसिडेंट नहीं, इसको इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। दोनों को कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, ये दो लाइन कंसिस्टेंट लाइन, ये इनकंसिस्टेंट लाइन, इतना याद रखना, कोइंसिडेंट नहीं है कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग 4 पेयर्स दी हुई है, मीन्स अलग अलग 4 क्वेश्चन है, अगर कंसिस्टेंट है मीन्स इस टाइप में है इस टाइप में, तो उसको ग्राफ में शो करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है, और इनकंसिस्टेंट हो तो ग्राफ में ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इनकंसिस्टेंट है इतना लिख दो, और इनकंसिस्टेंट भी आप आपके नॉलेज के लिए एक बार ड्रॉ करना, इसलिए क्वेश्चन 4 के चारों चार सम ग्राफ में ड्रॉ करना, बराबर। क्वेश्चन 5 मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन 5 प्रैक्टिकल सम है, वो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यहां पर 2 लीनियर इक्वेशन दिए है, देखो 2x + 3y - 8 एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये ऐसा है, (2x + 3y - 8 = 0) राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो फर्स्ट ऐसा बोला है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन ऐसा लो कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाओ ना, तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। तो मैंने बोला ना एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म सब डिफरेंट ले लो, तो देखो यहां 2x है तो 3x कर दो, 3y है 4y कर दो, 8 है 7 कर दो, तो ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड में ऐसा बोला है पैरेलल लाइंस, तो आप सोच सकते हो पैरेलल लाइन में एक्स एंड वाई इक्वल होगा, कांस्टेंट अलग होगा। ओके, सब मैंने समझा दिया, इसीलिए ये रूल समझने के लिए दो लेक्चर हमने लिए। थर्ड रूल, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में इक्वेशन टोटली सेम होगा, सो यही रखेंगे, और इसकी जगह आप ऐसा कर सकते हो सबको कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4x + 6y - 16 = 0, दोनों चीज एक ही है, बराबर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 7, ड्रो द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस (x - y + 1 = 0) एंड 3x + 2y - 12 = 0, ये दोनों लाइन को ग्राफ में शो करो। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस
एंड द एक्स एक्सिस शेयर द ट्रायंगुलर रीजन। देखो बच्चों, ये चीज मैं बोलूंगा तो आपको मालूम पता नहीं चलेगा, बट आप ऐसा करना कि ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ ड्रो करना और उसके बाद क्वेश्चन रीड करके समझ में आए तो कर देना, नहीं समझ में आए तो ग्रुप में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं समझा लूंगा। बट एक बार ग्राफ खुद ड्रॉ करो, ओके। तो 3.2 तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब यहां तक का होमवर्क कर दो, कल तक मुझे ये होमवर्क चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, तब तक गुड बाय।